नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। झारखंड के दुमका जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र गोपी कांदर थाना क्षेत्र में दुमका मुख्य मार्ग पर गोपी कांदर जंगल के समीप बीती रात चार नाइट बसों में अचानक पत्थर बरसने लगे। इस घटना के बाद बस में सवार सभी यात्रियों के बीच दहशत फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार सभी बस पाकुड़ एवं साहिबगंज से रांची जा रही थी। इसी दौरान दुमका की गोपी कांदर थाना क्षेत्र में बसों पर पथराव शुरू हो गया। आमजन लोगों के द्वारा पत्थरबाजी की इस घटना से बस चालक खलासी समेत सभी यात्री डर गए। इस दौरान पत्थरबाजी की वजह से कुछ लोगों को चोट भी लगी है। जानकारी के अनुसार इस घटना में सानिया बस की एक महिला यात्री और सिल्की बस के खलासी पत्थर लगने से उनको चोट लगी है। दुमका के गोपी कांदर अस्पताल में सभी घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं इस मामले में गोपी कांदर थाने की पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज़।